हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिस इज यश योर टेकमेट। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला की तरफ से लॉन्च होने वाले एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 3 अप्रैल 2024 को मोटोरोला की तरफ से एक लॉन्च इवेंट रखा गया है जिसमें पॉसिबली मोटो एज 50 प्रो लॉन्च किया जाएगा। एंड मोटो एज 50 प्रो के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, मजा आएगा आपको वीडियो देख के। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उस लॉन्च इवेंट में एक नहीं दो स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड सेकेंड स्मार्टफोन कैन बी मोटो एज 50 फ्यूजन। Yes, बताया जा रहा है कि ये भी जो स्मार्टफोन है 3 तारीख को ही लॉन्च होने वाला है। एंड लगभग सारे स्पेसिफिकेशंस भी लीक हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं मोटो एज 50 फ्यूजन से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। क्या माल मसाला आपको मिलने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या फीचर्स होंगे, क्या प्राइस पॉइंट हो सकता है, सारी चीज डिस्कस करते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड ऐसे ही कॉन्टेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना। बात करते हैं फोन के बारे में, स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। हालांकि इस फोन के कोई भी लाइव रेंडर्स अभी तक लीक नहीं हुए हैं, लेकिन लास्ट जनरेशंस को अगर देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आएगी। पॉसिबली यहां पर आपको दो बिल्ड वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर एक में आपको वीगन लेदर मिलेगा, दूसरे में आपको प्लास्टिक का बैक मिलेगा। दोनों ही वेरिएंट में प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा, ग्लास फ्रंट रहेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में, एंड कर्व डिस्प्ले आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको IP68 की रेटिंग भी देखने के लिए मिलेगी, तो डस्ट एंड स्प्लैश एंड वाटर प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। सो बिल्ड क्वालिटी में तो आपको शिकायत नहीं आएगी। डिजाइन की अगर बात करें, जैसा मैंने आपको बोला, अभी तक कोई भी रेंडर्स निकल करके नहीं आए हैं, लेकिन डिजाइन लैंग्वेज जो है पिछले जनरेशन जैसा ही रहेगा, जहां पर टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेटअप मिलेगा, पॉसिबली दो कैमरास की हाउसिंग रहेगी, LED फ्लैश रहेगा, मोटो का लोगो रहेगा। फ्रंट में अगर आप देखेंगे, सेंटर पंचोला आपको मिलेगा, कर्व डिस्प्ले रहेगा, पतली सी चेन आपको मिलेगी। एंड कलर्स की अगर बात करें तो कलर्स के नाम जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं, एंड दोज विल बी पिकॉक पिंक, बैलेट ब्लू एंड टाइडल टील। 3 कलर्स में आपको फोन मिलेगा, कुल मिला के पिंक कलर है, ब्लू कलर है, टील कलर है, 3 कलर्स आपको मिलेंगे। सो दिखने में स्मार्टफोन अच्छा रहेगा, बिल्ड क्वालिटी अच्छी रहेगी, बिल्ड एंड डिजाइन में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पर आपको 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है। सो डिस्प्ले का साइज बड़ा रहेगा तो कॉन्टेंट वॉचिंग में आपको मजा आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम सिंगल हैंड यूसेज डिफिकल्ट रहेगा भाई, क्योंकि डिस्प्ले काफी बड़ा है। 6.7 इंच का जो डिस्प्ले रहेगा वहां पर आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन मिलेगा, एंड 10 बिट का POLED पैनल देखने को मिलेगा, मतलब 1 बिलियन के आसपास आपको कलर्स मिलेंगे। तो कलर डेप्थ आपको अच्छी मिलेगी, डिटेल्स आपको अच्छी खासी मिलेगी, एंड साथ ही साथ वाइड वाइन L1 का भी सर्टिफिकेशन यहां पर आपको मिलेगा, तो Amazon Netflix पर आप HD में कंटेंट रगड़ पाएंगे। साथ ही साथ HDR10+ का भी सर्टिफिकेशन आपको मिल सकता है। सो कंटेंट वाचिंग का एक्सपीरियंस आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, 393 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे, 1500 nits के आसपास आपको ब्राइटनेस मिलेगी, तो विजिबिलिटी का इशू नहीं रहने वाला है। इंडोर विजिबिलिटी, आउटडोर विजिबिलिटी दोनों बढ़िया रहेंगी, एंड साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा, तो स्मूथनेस भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया आपको मिलने वाली है भाई साहब। डिस्प्ले का साइज अच्छा है, पैनल अच्छा है, ब्राइटनेस आपको अच्छी मिलती है, रिफ्रेश रेट बढ़िया दिया गया है, तो डिस्प्ले में भी आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन को शक्ति प्रदान करेगा क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट। अब ये जो चिपसेट है 4 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, तो एनर्जी एफिशिएंट रहता है, हीटिंग का इशू आपको बहुत कम देता है, परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी देता है, साथ ही साथ थर्मल मैनेजमेंट फोन का बहुत बढ़िया रहता है। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 4 A78 वाले कोर्स यहां पर आपको मिलते हैं, तो हेवी टास्क में मल्टीटास्किंग आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, तो डे टू डे की परफॉर्मेंस में शिकायत नहीं आएगी, मल्टीटास्किंग बढ़िया रह जाएगी। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए यहां पर आपको Adreno 710 GPU मिलता है, जो कि बढ़िया गेमिंग भी आपको करा देता है, एंड ग्राफिक रिलेटेड टास्क भी आपके बढ़िया तरीके से निपटा देता है, तो वहां भी शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ LPDDR4X RAM आपको मिल सकता है, एंड पॉसिबली UFS 2.2 वाला स्टोरेज यहां पर आपको दिया जाएगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी, चिपसेट अच्छा दिया गया है, परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी। बात करेंगे कैमरास के बारे में, तो बताया जा रहा है कि 2 कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलेगा, जहां पर प्राइमरी कैमरा रहेगा 50 megapixels का, पॉसिबली सोनी का सेंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा OIS के सपोर्ट के साथ में, एंड साथ ही साथ जो दूसरा कैमरा रहेगा 13 megapixels का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको देखने को मिलेगा। तो 2 कैमरास पीछे की तरफ रहेंगे, दोनों कैमरास काम के कैमरास रहेंगे, रेयर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर OIS के सपोर्ट के साथ में। एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे तो फ्रंट में आपको 32 megapixels का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, एंड सेल्फी कैमरा से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें,
मेरे हिसाब से कैमरा सेटअप आपको बढ़िया मिलने वाला है, मोटोरोला का ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा रहता है, कैमरा मॉड्यूल भी अच्छा दिया गया है, तो यहाँ भी आपको शिकायत बिल्कुल नहीं आएगी। बात करेंगे बैटरी के बारे में, 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी, तो बढ़िया साइज की बैटरी आपको मिलने वाली है। 4 nm के एनर्जी एफिशिएंट चिपसेट के साथ में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है एंड 5000 mAh की बैटरी दी गई है, मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा है, बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ 68W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, 68W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर भी दिया जाएगा। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आएगी क्योंकि बैटरी का साइज अच्छा है, बैकअप आपको अच्छा मिलेगा, चार्जिंग स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है, चार्जर इनबॉक्स मिल जाता है, तो और क्या चाहिए भाई साहब। बैटरी मॉड्यूल आपको बढ़िया मिलने वाला है। चार्ज करने के लिए USB टाइप सी वाला बोर्ड मिलेगा, 3.5 mm जैक ऑब्वियसली यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिलेगा एंड छोटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स आपको मिलेंगे, सेंसर्स में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड्रॉइड 14 के ऊपर आपको फोन मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन रहेगा। साथ ही में आपको मोटोरोला का MyUX मिलेगा जहां पर आपको फीचर्स भी मिलते हैं एंड ब्लोटवेयर्स भी नहीं मिलते हैं, कोई एड्स भी नहीं होते, क्लीन एक्सपीरियंस रहता है विद काम के फीचर्स, तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बढ़िया रहेगा, सॉफ्टवेयर में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे स्पीकर्स के बारे में, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी यहां पर आपको दिए जाएंगे, साथ ही साथ डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट यहां पर आपको मिलेगा, तो ऑडियो क्वालिटी बढ़िया रहने वाली है, लाउड इनफ रहेंगे, वेल ट्यून रहेंगे, तो स्पीकर क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आएगी। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करें तो कार्ड स्लॉट यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा। बात करेंगे वेरिएंट्स के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है 8GB+128GB से स्टार्ट होगा, 8GB+128GB, 8GB+256GB एंड ऑल द वे अप टू 12GB+256GB, तीन वेरिएंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें समवेयर अराउंड 20,000 ये जो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन देखे जाए 6th Gen 1 है, फुल HD प्लस का AMOLED का डिस्प्ले है, 68W की चार्जिंग है, OIS कैमरा है 50MP के साथ में विदाउट टेलीफोटो, तो मुझे लगता है कि ये जो फोन है तकरीबन 20,000 के आसपास इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 21-22,000 तक भी आता है, ऑफर्स के साथ में 20 में मिल जाता है, तो एक अच्छा स्मार्टफोन रहेगा। अदरवाइज ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि अगर ये स्मार्टफोन 20,000 के आसपास इंडिया में लॉन्च होता है तो क्या आप खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें एंड ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।